राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 16 नवंबर से 30 नवंबर 2019 के बीच राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 17 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए, जिनकी मेजबानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। लोकसभा अध्यक्ष ने कई स्टॉलों पर जाकर जनजातीय कलाकारों से बातें की और उनकी हस्तशिल्प के नमूनों को देखा। उत्सव में जनजातीय हस्तशिल्प कला, चित्रकला, वस्त्र, आभूषण आदि की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए लगभग 200 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस उत्सव में देश भर के 27 राज्यों से आए जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। आदि महोत्सव का आयोजन केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय तथा ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी ट्राइफेड द्वारा किया जा रहा है। आदि महोत्सव का उद्देश्य जनजातीय समाज को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी मेहनत का उचित मूल्य उन्हें मिल सके। आयोजन में लघु भारत की छवि नजर आई। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने विचार प्रस्तुत किए। यह आदि महोत्सव, हम सब ने आदि महोत्सव क्यों कहा, आदि क्यों कहा है? क्योंकि सभ्यता के प्रथम चरण में जिन लोगों ने प्रकृति को समझा कि हमारी जीवन, हमारा अस्तित्व, हमें यह जीवन कैसे प्राप्त हुआ है, हम शास्त्रों के आधार पर जिसको आज कहते हैं कि पंच तत्व से यह शरीर बना है, तो वह पंच तत्व क्या है, उस पंच तत्व के साथ हमें कैसे जीना है, इस आधार को हमेशा अपने जीवन पद्धति में लागू करते हुए जिन्होंने अपना नैसर्गिक व्यवस्था को बनाए रखा, वो आदि है। आदि काल से अनंत काल तक इस परंपरा के साथ जीने वाले ही आदिवासी है, और आदिवासी की अपनी पहचान है। लोकसभा अध्यक्ष ने जनजातीय समाज की खूबियों पर प्रकाश डाला। आज का दिन आदिवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है, विशेष रूप से राजस्थान की वह धरती जहाँ जनजातीय क्षेत्र के लोग आज भी हमारी संस्कृति और धर्म को बचाए रख रहे हैं। आज के दिन ही मानगढ़ के अंदर गोविंद गुरुजी ने और पूंजा भील ने हमारी संस्कृति धर्म के लिए बलिदान दिया था। इस देश के 40% से ज़्यादा इलाके के अंदर जनजाति क्षेत्र के लोग रहते हैं, जो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार आदि को आज भी प्रकृति के रूप में संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। आज अगर भारत के अंदर प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं, तो हमारे आदिवासी भाई बहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से ट्राइफेड ने एक रचनात्मक चिंतन और निधि निर्धारण का काम किया है। आदिवासियों के विकास, उनकी समृद्धि के एक भागीरथ प्रयास किए उन्होंने कि किस तरीके से हम आदिवासियों को, उनके हाथ को काम देकर, रोजगार देकर एक जो प्रयास किया है, इसके लिए मैं ट्राइफेड और जनजाति मंत्रालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भाषण सत्र के बाद रंगारंग कार्यक्रम का दौर शुरू हुआ और दर्शक कार्यक्रम में झूमते नजर आए।